अरविंद सर, एक सेंसिटिविटी वाला पीरियड शायद अब जा नहीं चुका है, एक शुरुआत में कार्रवाई नहीं की गई और समझा भी जा सकता था। उस समय प्रशासन की और सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो भी लोग घायल थे उनको उचित इलाज मिले और जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका पोस्टमार्टम कराकर उनकी डेड बॉडीज कंसर्न पर्सन को सौंपी जाए। लेकिन अब भी उसके खिलाफ अगर कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई का नाम तक नहीं है, तो सवाल उठेगा। सवाल इस वजह से भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसके पैरों की धूल की वजह लेने के लिए ही लोगों की तरफ से भगदड़ मची, उसके सेवादार थे, उसकी एक अपनी फौज है और ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। उन लोगों ने भी वहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया। और अगर बाबा सूरजपाल इस तरह से अपने आप को आरोपी या दोषी नहीं मानता है तो वहाँ वो मौजूद रहता, आज भी वो छिपा हुआ है, आज भी वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, एक लिखा हुआ पर्चा उसने पढ़ दिया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसको पूरा सारे मीडिया चैनल्स पे लोग इसको देख रहे हैं। बाबा का जो घटना के बाद का कंडक्ट है उसकी सभी निंदा कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, और ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, आप वहां से पलायन कर गए, ये सब साक्ष्य इन सबके एकत्र किए जाएंगे, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ये अहम साक्ष्य हैं और दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इस प्रकार की गतिविधियां ये कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा कि जो भी इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे होते हैं उसमें फूक फूक के कदम रखा जाता है और कार्रवाई सही दिशा में चल रही है। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन जो अरविंद सर है, देखिए एक तस्वीर वो आती है उत्तर प्रदेश में जहां थानों में तख्ती लटकाए एक अपराधी पहुंचता है और सरेंडर कर देता है या शपथ लेता है, वो कसम खाता कि मैं आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, ये शपथ मैं लेता हूं। मुख्तार अतीक जैसे अपराधियों के बयान भी आते थे, उनको डर लगता था कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, इस तरह का डर जो है उनकी तरफ से खुद जाहिर किया जाता था, बड़े बड़े अपराधी। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जब एक बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने की कवायद में भी उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है तो सवाल उठेगा, और सवाल उस परिवार की तरफ से भी उठेगा जिसके एक ऐसा परिवार है जिसने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। सोचिए अब उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि बाबा इतना बड़ा है, इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सबूत तो मधुकर के खिलाफ भी इकट्ठा हो रहा था जिसको लेकर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया, जिसको रिमांड पर भेजा गया है। अरविंद सर देखिए, मेरी जो सूचना है, मेरी सूचना के अनुसार कोई भी श्रद्धालु, कोई भी इंजर्ड की फैमिली, कोई भी मृतक की फैमिली जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी भी प्रकार का सूरजपाल के खिलाफ नहीं दिया। अंसल एक पिक्चर हॉल में ट्रेजेडी हुई थी दिल्ली में, सारे परिवारजनों ने खुलकर मोर्चा बनाया था और अंसल उसमें जेल गए थे, सालों रहे थे, करोड़ों का कंपनसेशन दिया गया था। ऐसे में जरूरी है कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र हो जाए। साक्ष्य एकत्र होने के बाद मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे मधुकर जो मुख्य आरोपी है उसे मुख्य आयोजनकर्ता माना गया है, उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का एक तरह से इनाम भी घोषित कर दिया गया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको अब जेल में भेजा गया, कस्टडी भी मिल गई उसकी। मधुकर के खिलाफ भी तो वही सारे मामले, मधुकर के खिलाफ भी किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसा नहीं कि किसी ने स्पेसिफिकली बोला हो कि मधुकर ही हमारी परिवार के सदस्य की मौत का कारण है। मैं यही पूछ रहा हूं कि जो भी कंडक्ट है, जो भी कायदा है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? ये मधुकर ने तो क्लियर कट वायलेशन किया है, इन्होंने तो लिखित एप्लीकेशन दी है, इन्होंने तो कमिटमेंट दिया है कि 80,000 की भीड़ होगी तब, और इनको जो शर्तें दी गई उनको इन्होंने रिसीव किया है और इन्होंने कहा है कि हम इसका पालन कराएंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर कट दोषी है, इसमें तो कोई कोर्ट भी किसी प्रकार की रियायत इसको नहीं देने जा रही। ये जैसे ऐसे साक्ष्य एकत्र हो जाएगा, मेरा ये मानना है इसमें देखा जाए तो आप बताओ कि इसमें प्रशासन जो फेलियर है, जो उसको एक्ट जो करना चाहिए था, इसको एक्टर फेलियर जी, जो इस चर्चा से तो हम बहुत आगे बढ़ाए, ये 2 तारीख की चर्चा से हम 6 तारीख को आ गए। नाम डाल के प्रशासन का फेलियर नहीं है तो कोई कह ही नहीं सकता है। केके जी, इसमें तो कोई कह नहीं सकता है, बाबा का नाम डालने के बाद भी तो हटा सकते हैं, यदि वो बेगुनाह है तो बाद में हटा देना। ये सवाल है अरविंद सर, अगर वो बेगुनाह है, मैं आता हूँ अरविंद सर, बहुत छोटा सा रिएक्शन इस पर, कि अगर वो बेगुनाह होगा तो वो छूट जाएगा कोर्ट से, छूट जाएगा। ठीक है अरविंद सर। नहीं, क्यों छूटे? उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्र करके ठोस चार्जशीट लगनी चाहिए। ऐसे ऐसे बाबाओं को एक्सपोज किए जाने की जरूरत है। तथाकथित बाबा का था, मैं इनको बाबा नहीं कहता, ये तथाकथित बाबा है।
आलोक जी, आलोक जी, उसी उत्तर प्रदेश में दो तस्वीरें क्यों दिखती हैं? वो भय जो है ऐसे बाबाओं के पनपने के दौरान क्यों नहीं दिखता है? और ये तो आरोप भी था, इसके खिलाफ केस भी थे, तमाम सरकारें आई, आपकी भी सरकार चली रही है, जिंदा करते थे, मरे हुए को जिंदा करते थे, अब वो बाबा जिंदा करके दिखाए, 121 लोगों को जिंदा करके दिखाए। आलोक जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आलोक जी इस डिबेट को, आलोक जी, आयुष जी, इस डिबेट को कंडक्ट कौन कर रहा है? वकील साहब कर रहे हैं? नहीं, वकील साहब नहीं कर रहे, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करता रहूंगा। इन्होंने बहुत एक लंबी सांस में कई सारे धर्माचार्यों के नाम ले लिए इन्होंने, जो कि कहीं पे भी किस तरह के किसी भी, आप उनके सवाल का जवाब नहीं दीजिए, वो अपनी बात रखें, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आलोक जी, नाम ले लिया कि ये उनको बिल्कुल नहीं, उनको नहीं देना चाहिए, ठीक। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरी आयुष जी, आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, बहुत स्पष्टता से आपके व्यूअर्स के पास चीजें जा रही है। अरविंद जी से आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, मैं भी आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिये, राजनीति करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो जो बातें कह दी उसका भी बात करना जरूरी है। पहली बात, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि ये निर्दोष को गिरफ्तार कर रहे हैं बिना जांच के, जो पुलिस एफआईआर जांच कर रही है, अगर उनके सजातीय लोगों को गिरफ्तार हो उसमें हो गए तो वो निर्दोष का सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? क्या उनको पता है दोषी और निर्दोष, दोषी कौन है और निर्दोष कौन है? अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए, उनके प्रवक्ता को स्पष्ट कर देना चाहिए, उन्होंने क्यों सर्टिफिकेट दिया निर्दोष है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह के ये आयोजन हो रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप लगाइए सरकार की, जहां विफलता होगी, अधिकारियों में विफलता होगी, हम कार्रवाई करेंगे। इसमें दो बड़े हमारे जांच दल काम कर रहे हैं, एक न्यायिक आयोग काम कर रहा है और एक एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही है। निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हमें एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में कुंभ मेले में भगदड़ में कई सैकड़ों लोग मर गए थे, तो उस समय आलोक जी, मैंने केके शर्मा जी को भी कहा, मैं आपसे भी कह रहा हूं, इस चर्चा से हम 3 तारीख से 6 तारीख को आ गए हैं, जिम्मेदारी वाली चर्चा से हम आगे आ गए हैं। मेरा सवाल यही है, उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आलोक जी, आलोक जी, मैं पूछा जाता हूं, आलोक जी, कृपालु जी महाराज के कार्यक्रम में 60 से अधिक लोग मर गए थे, उस समय की सरकार ने क्या कर दिया था? तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही है, हम दोषी ऐसे बाबा पनप कैसे जाते हैं? उनके पक्ष में उनको मुआवजा दे रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं। ठीक, आलोक जी, ऐसे बाबा पनप कैसे जाते हैं किसी की भी सरकार में? कैसे पनप गया? वो आरोपी है, उसके खिलाफ केस दर्ज था, वो पनप रहा है, अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है, लड़कियां जा रही हैं, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, खुद पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है। क्या अगर ये केस नहीं होता तो फंडिंग का मामला पता नहीं चलता? देखिए, निश्चित बात है कि जब तक कि कोई घटना नहीं होती है, कोई सुओ मोटो इस तरीके से किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं कर सकता है। और जहां तक कि आप बाबाओं की बात करें, तो ये तो हमारे सदियों से परंपरा चली आ रही है कि कई पंथ और कई इस तरह के जो चले, जिसमें कि कई सारे फॉलोअर्स बने, तो अब हर आदमी अपराधी तो नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं, मैंने मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी धर्माचार्य जो है व्यवस्था को दंडित किया जाएगा, ठीक है, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। अगर इस तरह का कोई फ्रॉड है और दूसरा कोई धर्म की बात कर रहा है, दोनों में बहुत फासला है। लेकिन ठीक है, भूंजी आप ही बोलिए और ये बताइए कि आखिर ऐसे क्लीन चिट आप लोग कैसे दे रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? आलोक जी, वक्त में थोड़ा सा, आलोक जी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा वक्त में। भूंजी देखिए, मैं हम देश प्रदेश क्या देख पा रहा है, प्रदेश ये देख पा रहा है कि किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री को जहाँ पर कैंप करना चाहिए वो कैंप से बच रहे हैं, वो अपने दिल्ली में जाकर अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, अपने राजनीतिक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। ये भी देश देख पा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, उनको वहाँ पर कैंप करना चाहिए, वहाँ पर दवाइयों का इंतजाम, वहाँ पर उनकी जो घायल है उनका इंतजाम का देखना चाहिए, लेकिन वो अपने और दिल्ली और लखनऊ के लड़ाई में देखिए किस प्रकार वहाँ पर आज पिस रही है आम जनता, ये भी देश देख पा रहा है। और हमें याद आता है, हमें याद आता है, तो कह नहीं रहे कि सूरजपाल को गिरफ्तार किया जाए, और 2017 की सरकार में हमने देखा अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी के उसमें कोई घटना घट जाती थी तो पूरा मीडिया उसको दिखाने को लग जाता था। ये कौन दिखा रहा है? 5 दिन से 2017 में, और अखिलेश जी की फोटो के साथ, अखिलेश जी की फोटो के साथ वक्त नहीं है, वरना मैं इस पे आपको पूरी क्लैरिटी देता हूँ। 5 दिन से कौन दिखा रहा है? आप अगर चर्चा में शामिल है, छोड़िए, अगर भोंजी और कुछ नहीं, भोंजी अगर आप इस चर्चा में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, आपको लगा हो कि मैंने सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ आपको बोलने से रोका हो? आप छोटी घटना क्या, मैंने कहा कोई छोटी भी घटना 2012-17 में घट जाती थी माननीय अखिलेश, ये हाँ, ये फोटो के, ये जो भी सत्ता में होता है, ये जो भी सत्ता में होता है भुवन जी, ये जो भी सत्ता में, सुनिए ना भुवन जी ये जो भी सत्ता में होता है उसका दर्द होता है, समझा जा सकता है? सुभ्रांश जी,
सुब्रांजी आखिरी सवाल आपसे है, इसीलिए चुप्पी है। इस तरह की सियासत का सुरक्षा कवच कब खत्म होगा? ऐसे लोगों से जिनके पास वोट बैंक है, जिनको लेकर राजनीतिक दल भी डरे रहते कहीं वोट बैंक खिसक न जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं आयुष, इसे आप वोट बैंक से न जोड़िए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, जोड़ा जाए सर, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, एक मिनट, पार्टियों का पॉलिटिकल रिएक्शन है। आयुष सुनिए ना, सवाल कर लिया आपने, सुनिए, जो 121 लोगों ने अपने प्राण गवाए हैं उनके परिजनों को यथाचित मुआवजा योगी सरकार ने अभी तक, अरे इंसाफ की बात करिए, मुआवजा इंसाफ नहीं है, बोलिए बाबा के खिलाफ कर रही हो आप, बोलिए, अरे रुकिए भाई, रुकिए थोड़ा सुन लीजिए, जो लोग वहाँ घायल थे जिस तत्परता के साथ मुआवजा दिया है, तमिलनाडु के लिए ये मुआवजा कहाँ गया? तमिलनाडु में जी शराब से 50,000 लोग मर गए, कहाँ है मुआवजा? लुधियाना में कहाँ है मुआवजा? लुधियाना में मुआवजा कहाँ है? तमिलनाडु में कहाँ है मुआवजा? सिलेक्टिव बात मत करिए सुब्रांजी, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ऐसे बाबाओं से क्या डर लगता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा अपने एजेंडे में राजनीतिक दलों को? अक्रॉस द पार्टी लाइन पूछ रहा हूँ मैं सबसे। मैं आयुष, आप किसी बात को जवाब दो, थोड़ा धैर्य रखिए। जो चले गए उनको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने काम में तेज डालकर अपना आंख बंद कर ले तो इसके लिए जिम्मेदार योगी सरकार को कहा जा सकता है। सवाल ये नहीं पैदा होता है, आयोजक कोई भी हो, एक मिनट रुकिए, आयोजक कोई भी हो, अगर यही सेलेक्टिविटी जो है राजनीतिक दलों की, इसी वजह से ऐसे बाबा पनप रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं। सभी दलों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे बाबाओं के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वोट बैंक की बात होती है, क्योंकि उपचुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव, देश में चुनाव चलता रहेगा, ऐसे बाबा पनपते रहेंगे, और जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे तब कहा जाएगा कि आयोजनकर्ता जो है वो सिर्फ दोषी है। ऐसे बाबा खुलेआम अलग मीडिया में आकर बयान देते रहेंगे, न पुलिस सवाल पूछेगी न पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल कार्रवाई होती है नहीं होती है, ये भी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है।